जम्मू के हरिओम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जम्मू को राज्य का दर्जा देने के लिए अध्यादेश जारी किया जाए। जम्मू प्रांत के लोगों को 70 से अधिक वर्षों तक नई दिल्ली समर्थित मौलिक अलगाववादी और सांप्रदायिक कश्मीरी नेतृत्व के हाथों भारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन नक्सलियों को बुखारी ने किया, कल एनसी और पीडीपी वालों ने किया। मुद्दा क्या था उनका? उनकी डिमांड ये थी, उनकी ग्रीवांस ये थी, उनकी शिकायत ये थी कि मोदी गवर्नमेंट जो है और डिलिमिटेशन कमीशन, ये जो हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं वो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, उसके साथ बीजेपी की सरकार और जहां के इंस्टीट्यूशंस वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या खिलवाड़ हो गया कि जम्मू रीजन को जो 50 सीटों से ज्यादा डिजर्व करता था 43 सीटें जो हैं वो अलॉट की गई। उन 43 सीटों में 7 सीटें एससीज की थी जो पहले भी हुआ करती थी, और 90 में से 9 सीटें जो थी वो रखी गई जो एसटी हैं, उसे गुजर हैं, बकरवाल हैं जो मुसलमान हैं, और गद्दीजा सीपीस हैं जो हिंदू हैं, उनके लिए सीटें 9 सीटें रिजर्व की गई जो जम्मू में भी होगी वो कश्मीर में भी होगी। तो वो ये कहते हैं, हालांकि उनको 47 मिली, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि आपने जम्मू के लोगों को 43 सीटें देकर आपने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंट्री की है, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, हिंदू चीमनिस्ट बनाने की आपकी प्लानिंग है, और हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। कश्मीर में कल क्या हुआ मैं उसमें जाऊंगा नहीं। हमारा मुद्दा यह है कि जो वो लीडरशिप जो ये बोलती है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, अब बोलती है हमें जम्मू को अपने साथ रखना है, वो जम्मू को रोज गालियां देती है। तो हमारा ये मानना है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि आप जम्मू के लोग जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो लोग जम्मू को दिन रात गाली देते हैं, जो लोग जम्मू के लोगों को सिटीजन नहीं मानते बल्कि उनके गुलाम अपना गुलाम मानते हैं, जम्मू को अपनी कॉलोनी मानते हैं, हम उनके साथ अब नहीं रह सकते। तो हमारा ये मानना है कि समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब सेशन नहीं चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू किया जाए और उस ऑर्डिनेंस के द्वारा जम्मू प्राविंस को कश्मीर से अलग करके जम्मू प्राविंस को स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। हम ही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर स्टेट जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया वो टूट जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी लीडरशिप जो है जिसमें अब्दुल्लाज हैं, मुफ्ती हैं, जितने भी लोग हैं वो रोज जम्मू के लोगों को गाली देते हैं और लगातार अपोज कर रहे हैं कि जम्मू के लोगों को 43 सीटें जो हैं वो असेंबली में नहीं मिलनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि जब इतनी नफरत है उनको हमारे साथ, ये कोई अगर कहे हम उनके साथ रहें हम उनकी बात नहीं मानते, तो हम अपने प्रधानमंत्री हम उनसे बोलना चाहते हैं कि आप जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, और ये जो अब्दुल्ला जो हैं, मुफ्ती जो हैं, बुखारी जो हैं, इनकी जो सोच है उनका संज्ञान लें और जम्मू प्राविंस को इमीडिएटली कश्मीर से अलग करके जम्मू को स्टेट का दर्जा दीजिए। और क्योंकि आजकल सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का, तो हम ये चाहेंगे कि थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जम्मू प्रोविंस को कश्मीर से अलग किया जाए और स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए।